सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैराग्य क्या है? 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहने के बाद भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म ग्रहण किया, और 12 वर्ष के बाद जब माँ के गर्भ से बाहर निकले, तुरंत माँ लगोटी लेकर के बैठी रह गई, बेटा लगोटी तो पहन लो, लेकिन श्री सुखदेव जी जंगल की ओर भागने लगे। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रे तन्मयतया तरवो भिनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। जिनके जीवन में अभी उनका कोई किसी प्रकार का संस्कार हुआ नहीं है, जिनको संसार से कुछ पाने की प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ऐसे भगवान सुखदेव जन्म लिए और जन्म के तुरंत बाद घर छोड़कर के भागने लगे। पीछे पीछे पिता भगवान व्यास भाग रहे, बेटा 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 सुखदेव रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, भगवान व्यास रुकते नहीं, श्री सुखदेव जी भागते चले जा रहे। भगवान श्री सुखदेव कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन मार्ग में लगे वृक्षों ने उत्तर दिया है, पुत्रेत तन मय तया तरवह अभिनेदु, पुत्र इति पुत्र इति ये कहकर के, हे पुत्र ये कहकर के व्यास पुकार रहे थे, लेकिन श्री सुखदेव जी कुछ न बोले। बोले कौन? बोले तन मय तया तरवह अभिनेदु। तत्शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म, तत्शब्द का अर्थ होता है भगवान। गीता में भगवान श्री कृष्ण के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ओम तत् और सत्। ओम तत् सद इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध स्मृतः। ओम शब्द से भी ब्रह्म को कहा जाता है, तत् शब्द से भी ब्रह्म को कहा जाता है, और सत् शब्द से भी ब्रह्म को कहा जाता है। भगवान वही हैं जो सब जगह रहते हैं। केवल वृक्ष नहीं बोले, तन्मय तया अर्थात ब्रह्म रूप तया श्री भगवान सब में रहते हैं। सुखदेव कोई और नहीं, श्री सुखदेव जी साक्षात भगवान हैं, और भगवान सब में रहते हैं, इसलिए ब्रह्म रूप होने के कारण भगवान सुखदेव ने वृक्षों के रूप में उत्तर दिया है। अरे व्यास, ये गौरव की बात है कि तुम्हारा पुत्र जन्म लेने के बाद समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, दीन दुखियों को मार्ग दिखाने के लिए जा रहा है, तुम उसके मार्ग में बाधा क्यों बनते हो? जाने दो ना उसे। तुम्हारी अपेक्षा तुम्हारा पुत्र महान है, पुत्र के नाम से पिता की पहचान हो ये उतनी उत्तम बात नहीं है। पुत्र की पहचान के द्वारा पिता को पहचाना जाए ये उत्तम बात है। हम लोगों को देखो, हे व्यास, लोग हमारे लिए जब हमारे नाम का उच्चारण करते हैं तो कोई कहता है ये आम का वृक्ष है, कोई कहता है ये अमरूद का वृक्ष है। हमारी कोई अपनी पहचान नहीं है, लेकिन हमारे पुत्रों के कारण, हमारे बालकों के कारण, हमारे फलों के कारण हमें पहचाना जाता है। हम यदि अपने बालकों को समाज की सेवा में दे देते हैं, लोगों को दे देते हैं, हम तो दुखी नहीं होते। अरे हमारे जीवन को तो देखो व्यास, यदि हम अपनी इच्छा से अपने पुत्रों को राष्ट्र समाज की सेवा में नहीं देते तो लोग डंडा मार करके, पत्थर मार करके हमारे बालकों को हमसे छीन लेते हैं। ये तुम्हारा सौभाग्य है व्यास कि तुम्हारा पुत्र समाज सेवा के लिए आगे जा रहा है, जाने दो इसे। ऐसे जो सर्वभूत हृदय, सबके हृदय में निवास करने वाले परम वीतराग महात्मा भगवान सुखदेव हैं, श्री व्यास कहते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं।